भाजपा के गुरदासपुर से लोकसभा उम्मीदवार व सीनियर स्टार सन्नी देओल ने गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में शपथ उठाने के बाद अपने नामांकन पत्र को भरा। इस मौके उनके साथ उनके भाई सीनियर स्टार बॉबी देओल व भाजपा के दिग्गज नेता हरियाणा के वित्त मंत्री व पंजाब बरवाड़ी कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्वेत मलिक व अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरबचन सिंह बब्बेहाली भी मौजूद रहे। सन्नी देओल 11:30 बजे नामांकन भरने पहुंचे और नामांकन भरने के बाद गुरदासपुर के पुड़ा ग्राउंड में चुनाव रैली को संबोधित किया। वहीं पत्रकारों का जवाब देते हुए सन्नी देओल ने केवल इतना ही कहा कि वह यहां जीतने आए हैं तथा आपका साथ चाहते हैं। वहीं पंजाबियों के बारे में सन्नी ने कहा कि पंजाबी शेर हैं और शेर ही रहेंगे। वहीं इस मौके पर भाजपा की गुरदासपुर रैली में भाजपा नेता स्वर्ण सलाड़िया कविता खन्ना व विजय सापला भी अपनी नाराजगी पीछे छोड़ते हुए एकजुटता दिखाते हुए मंच पर दिखाई दिए। सन्नी देओल ने अपने संबोधन में वाहेगुरु जी का खालसा व वाहेगुरु जी की फतेह के जयघोष लगाए और कहा कि गुरदासपुर वाले खुश हो कि वह आप सभी। सन्नी ने अपनी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए ये कहा कि ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वह उठता नहीं, उठ जाता है। वहीं सन्नी देओल ने कहा कि लोग जानते हैं कि ये ताकत मुझे कहाँ से मिली है और ये ताकत और प्यार लोगों से मिली है। उन्होंने कहा कि हालांकि वो राजनीति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते पर वह देशभक्त हैं। पहला मैं सारिया तो जिन्हें इतने मेरे परिवार सारे तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। तुम सारे मैं तसली मैं हौसला दे आए बहुत बहुत शुक्रिया सारिया का। जागृति लहर के लिए गुरदासपुर से विक्की मलिक की रिपोर्ट।